The Indian Super League ISL franchise Odisha FC had signed goalkeeper Ravi Kumar for 2 years ahead of the seventh edition of the tournament. The Uttar Pradesh-born player told NNIS Sports in an exclusive chat he was very excited to be joining Odisha FC and hoped he could help the club compete for titles and trophies and hopefully play in AFC very soon. After playing for Indian Arrows and Sporting Club de Goa, Ravi Kumar was selected for Delhi Dynamos in the second season of the Hero ISL. He has also played in the ISL for North East United and Mumbai City and in the I League for Manarva Punjab FC. I am very happy to join my new team Odisha FC. I am very excited to be excited with my teammates to training. So, I am really looking forward to the team. मैं बहुत खुश हूँ अपनी न्यू टीम को ज्वाइन करने के लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ अपने टीममेट्स को मिलने के लिए अपने फ्रेंड्स को एंड उड़ीसा एफसी फैंस और मैं चाहता हूँ हम ट्रॉफी विन करें अपनी न्यू टीम उड़ीसा एफसी के साथ. माय रोल मॉडल इज़ अरिंदम भट्टाचार्य बिकॉज मैं इंडिया टीम में था उनके साथ काफ़ी ट्रेनिंग किया और जैसा वो ट्रेन करते हैं अपने आप को जितना फोकस रहते हैं ट्रेनिंग में एग्रेसिव और 110% ट्रेनिंग में देना और जैसा लास्ट सीजन भी वो खेले हैं बहुत अच्छा खेले हैं फोकस थे एग्रेसिव थे तो एज ए रोल मॉडल मैं उनको फॉलो करता हूँ और आई रियली लाइक हिम एज ए रोल मॉडल एज ए ब्रेक ब्रदर. यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं है लॉकडाउन को लेके क्योंकि नॉट लाइक अदर स्टेट यहाँ पर इजीली चीज़ें मिल जाती हैं ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड है हमारे पास जिसके लिए कोई मना नहीं करता है और तो आई थिंक मैच फिटनेस आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो क्योंकि हम टच में हैं फुटबॉल के फिटनेस काफ़ी अच्छा करके मेंटेन कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मैच फिटनेस के लिए या ज़्यादा टाइम लगेगा मैच फिटनेस आने के लिए. ऑफ कोर्स काफ़ी लंबा सीज़न है बिफोर कंपटीशन लेकिन मेरा छोटा भाई है वो भी गोलकीपर है तो उसके साथ मेरा भी ट्रेनिंग हो जाता है और जिससे फिटनेस और बॉडी रिफ्लेक्सेस सबको मेंटेन कर पाता हूँ और जितना मैं उसको सिखाता हूँ काफ़ी वो भी मुझे सिखाता है ताकि मैं अच्छे से अपना बॉडी शेप मेंटेन कर सकूँ और कभी कभी हम लोग साइकिलिंग वगैरह भी चले जाते हैं मॉर्निंग में जिम वर्कआउट भी कर लेते हैं तो मेंटेन हो जाता है हम लोग का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है.